शहरातील मोक्याची जागा असलेल्या जालना रोडवरील आकाशवाणी परिसरात वफ बोर्डाची जागा आहे. काही बड्या लोकांनी या जागेचा झोल करीत 100 कोटींचा घोटाळा केलाय. यात मनपा, रजिस्ट्री, वफ आदी विभागातील अधिकाऱ्यांचा देखील हातभार असल्याचा गंभीर आरोप खासदार इम्तियाज जली यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केलाय. राज्यासह शहरात देखील वफ बोर्ड जमिनीबाबत वाद सुरू असल्याचे नेहमी पाहायला मिळते. शनिवारी पुन्हा एकदा याची प्रचिती आली आहे. जालना रोड येथील वफच्या अर्थपूर्ण जागेवर टोलेजंग कॉम्प्लेक्स उभे करून अवैधरित्या मालमत्तेची दस्त नोंदणीचा सपाटा लावला जात आहे. आकाशवाणी परिसरातील 1,00,000 चौरस फूट जागा तत्कालीन कैलास मोटर्स आणि सध्याची कैलास एजन्सी यांना 99 वर्षाच्या भाडेकरारावर दिली. यानंतर 2010 साली या एजन्सीने महापालिकेकडे परवानगी अर्ज दाखल केलाय. मनपाने जागेची कुठलीही शहानिशा न करता एप्रिल 2011 साली बांधकामास मंजुरी दिली. या एजन्सीने वफ बोर्डाचे अधिकारी संबंधितांशी मिलीभगत करून या जागेवर इमारत बांधून 100 कोटींचे आर्थिक व्यवहार केले आहे असा आरोप जलील यांनी केलाय. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे आणि कारवाई करावी, अन्यथा 26 फेब्रुवारीला 1,000 लोकांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये MIM जिल्हाध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर, शहर अध्यक्ष शारेक नक्षबंदी, फारूक पटेल यांची उपस्थिती होती. औरंगाबाद के जालना रोड के ऊपर सबसे महंगी जमीनें अगर औरंगाबाद में कहीं पर है तो वो जालना रोड के ऊपर है, और वहाँ पर तकरीबन जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं. एक ज़मीन का मामला जो हमने उठाया है, ये कैलाश बाफना नाम के एक शख्स से ताल्लुक़ रखता है, बड़े बिजनेसमैन है. उन्होंने किसी तरह से इल्लीगल तरीके से मुतवल्ली से 99 इयर्स के ऊपर लीज के ऊपर ले लिए वो जगह. उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि ये ज़मीन अब ये रोड के ऊपर ज़मीनों की कीमत आसमान चढ़कर बोल रही है, तो उन्होंने इस ज़मीन को बेचने का एक षड्यंत्र रचा. और उसको षड्यंत्र रचने के लिए उन्होंने औरंगाबाद के एक बड़े बिल्डर है जुगल किशोर तापड़िया साहब, उनका और संजय कासलीवाल नाम की एक कंपनी थी तापड़िया एंड कासलीवाल एसोसिएट्स नाम की, इनके साथ इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, महानगर पालिका के अंदर फाइल सबमिट की और कहा कि हमको बिल्डिंग परमिशन है तो निकालना है, हम यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे. महानगर पालिका ने वक्फ बोर्ड से कहा कि हम इनको NOC दो करके. NOC जब नहीं मिली तो महानगर पालिका के लीगल एडवाइज़र ने लिख दिया कि NOC की ज़रूरत नहीं, इसी लीज डीड को है, तो हम NOC मानकर बिल्डिंग परमिशन दे दी गई. बड़ा भव्य एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया. इस दौरान जब संजय कासलीवाल साहब को ये पता चला कि ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी से बाहर हो गए, शुरुआत से ही वो बाहर हो गए. और उसकी जगह लाया किसको गया है, तो राजू लेखराज तनवानी, जो ऑलरेडी एक मैटर के अंदर, ज़मीनों के मैटर के अंदर जेल जाके आ चुके हैं, तो उनको लाया गया. और उसके बाद फिर रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका के अंदर किस तरह से साठगांठ किया गया. ये मामला लीगल है, इल्लीगल है, ये कोर्ट के अंदर चल रहा था, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर. 2018 के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि ये पूरा जो लीज डीडी है ये शुरुआत से ये टोटल इल्लीगल है और गलत तरीके से किया गया है. बिल्डिंग परमिशन जो दिया गया है वो भी टोटली इल्लीगल है.